राजीव, ये तुम्हारे कपड़े, जल्दी रेडी हो जा। एक सेकंड। थैंक यू। सॉरी। एक सेकंड, एक सेकंड। टाल तो भूल ही गया, मुझे टाल देना। हाँ एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो ना। कहा ना कुछ नहीं। तुम बोल सकती हो। राजीव, तुम ना कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हो। मतलब बाकी कपड़ों में नहीं अच्छा लगता हूँ? मैंने ऐसे कब कहा? बट लग तो ऐसे रहा है। ऐसे तुम्हें लग रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि तुम कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी कपड़ों में अच्छे नहीं लगते। बाकी कपड़ों में भी अच्छे लगते हो, लेकिन लेकिन मैं तो बहुत थक गई आज। शारदा थोड़ा आराम कर लो। Oh my God! भाई साहब, भाभी आराम कैसे कर सकती है? आप देख नहीं रहे हो कितना सारा काम बाकी है। मैं बात करता हूँ। भाई साहब, ये डेकोरेशन में कितना टाइम लगेगा? अरे जगराते का टाइम हो गया और मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। सर थोड़ा टाइम लगेगा, एक्चुअली हमारे पास लेबर कम है सर। अरे भाई थोड़ा लेबर बढ़ाओ, ये काम तो वक्त तक खत्म करो। और अभी थोड़े टाइम में मेहमान आना भी शुरू हो जाएंगे, ये सब ऐसे देख के उन्हें अच्छा लगेगा क्या? जल्दी जल्दी करो। मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे, मुझे लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। नीति, क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ, मैं अपने रूम की तरफ ही जा रही थी, फिर ध्यान आया फोन तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं यहाँ। फोन तो तेरे हाथ में है पुत्र। ओ तेरे की, मेरा ध्यान भी पता नहीं कहाँ है, फोन हाथ में ही है और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे रूम में रह गए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सॉरी, मेरी वजह से दोनों का रोमांस बीच में रह गया ना। नीति, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोल रही है? अच्छा हम जल्दी निकलते वरना हम लेट हो जाएंगे, और वैसे भी शैली के घर में हम गेस्ट थोड़ी ना है, हमें तो उल्टा टाइम से पहुंचना चाहिए। चलो चलो। बिल्कुल। नीति,
मैं तुझे देख रही थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। नहीं नीति, सच बता के मैं तेनु सचेत नहीं कर सकती। तू बस एक गलती कर, फिर मैं तेनु सब समझा दूंगी आराम से। क्या हुआ आंटी जी, आप क्या सोच रहे हो? पुत्र, मैं देख रही थी कि तू परेशान होकर किथे जा रही है। मैं तेरे पीछे पीछे आ गई ऐ पूछने के वास्ते कि तेनु किसी चीज की जरूरत है, और ऐ कि फोन तेरे हाथ में है और तू परेशान हो रही है कि किथे है किथे है, भूल गई? वही तो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई मुझसे आंटी जी। आजकल मैं ना बहुत सी चीजें भूलने लगी हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा भूल गई हूँ। मैंने बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर बेवकूफ बनने का नाटक करना जरूरी है तेरे सामने, तभी तो तेरी सच्चाई सामने आएगी। सच कहा तूने पुत्र, लेकिन की कर सकते हैं, चल वरना देर हो जाएगी, चलते। मुझे तो लगता था ताई जी कि इस घर में सिर्फ आप ही हो जिसे बेवकूफ बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बट आप भी बाकी लोगों के जैसे ही निकले। देखिए केस आने शुरू हो गए और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। लगता है नीति आ गई, मैं देखता हूँ। सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं ठीक। आइए ना अंदर आइए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में रेड कलर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यू नो आज तुमसे आंखें दूर करना बहुत मुश्किल होने वाला है। बाकी सब लोग, उन सब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो लोग थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग ही जल्दी आ गए। आप क्या बोल रहे हो परमिंदर बहन जी, ऐसा थोड़ी होता है। अब हम लोग थोड़ी कोई अलग फैमिली है, एक ही फैमिली है, और एक फैमिली के लोग कभी भी किसी भी समय एक दूसरे के घर आ जा सकते है ना? यस। भाभी ठीक कह रहे हैं, एक्चुअली हमारा ना थोड़ा डेकोरेशन और केटरिंग का काम बाकी है। अच्छा, तब तक आप गेस्ट रूम में बैठ जाओ या टेरेस पे भी जा सकते हो, वहाँ पे काम पूरा हो गया है। ये क्या बात हुई आंटी जी, एक तरफ आप कह रहे हो कि हम आपकी फैमिली है और दूसरी तरफ आप हमें गेस्ट रूम में बैठने के लिए कह रहे हो, ये बात तो नहीं चलेगा। अगर आप हमें फैमिली मानते हैं तो बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और माता की चौकी किस तरफ अरेंज करेंगे? वो वहाँ उस तरफ है। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए, तब तक हम लोग डेकोरेट कर देते हैं। गुड। यहाँ पे तो सारा सामान बिखरा हुआ है। हाँ। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा भरी। वीजी, अच्छा इस एरिया को ना हम डेकोरेट कर लेंगे, आप सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। और मैंने सब कुछ सोच लिया है, वहाँ पे ना वहाँ पे जगराते के गीत गाने वाले बैठेंगे और वहाँ पे ढोलक वाले, और बाकी सब लोग ना यहाँ बैठेंगे, और सब लोगों के बैठने के लिए गद्दे भी चाहिए होंगे, तो आप प्लीज गद्दे अरेंज करवा देंगे? ठीक है। ओ हाँ, यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस खाली कर देंगे ताकि जिन लोगों को डांस करना हो वो लोग आराम से डांस कर पाए। ठीक है। और माता की मूर्ति, शैली माता की मूर्ति कहाँ रखेंगे? माता की मूर्ति इधर, यहाँ। इधर ठीक है। फिर उसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम ही डेकोरेट करेंगे। अच्छा आप लोग जल्दी से गद्दे लेके आए, तब तक हम ये सब डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, चलो। नीति हम इधर डेकोरेट करते हैं। परी पहले ना ये फूलों वाली लड़ी लगा देते हैं। ठीक है, तुम ना मुझे कलर वाइज पकड़ाते रहना, तब तक मैं लगा लूंगी। ठीक है। एक सेकंड मैडम, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मतलब, ये सब लगाने? ये सब मैं लगाऊंगा, तुम ये पकड़ोगी। चलो ये सब मैं लगाऊंगी, तुम ये पकड़ोगे, तुम्हें नहीं समझ आएगा। प्लीज राजीव, प्लीज, पर तुम एकदम सेम लगाना जैसे वहाँ लगी है। ठीक। मुझे प्यास लग रही है। मैं लाया पानी। Hey!
थैंक यू। क्या थैंक यू? मैंने मना किया था ना, अब तुम नीचे उतरो, ये सब मैं करूंगी। वो ना मेरा गलती से पैर फिसल गया था। मैं कर देती हूँ। अरे तुम क्यों प्यार की दुश्मन बन रही हो? दोनों लवबर्ड्स को पास में रहने दो ना। पुप, ये लवबर्ड्स ना गलती से आपस में फंस गए हैं। अलग तो करना पड़ेगा, है ना? ला मैं हेल्प करती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे नीति मुझसे नाराज हो? नीति, नीति बात क्या? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। वो बस मेरा बात करने का मूड नहीं है। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दोगे? ओके, नो प्रॉब्लम। बेबे, ये टीवी देखते देखते ना मैं तो बोर हो गई। अरे ऐसे टीवी देख रहा था, अपने घर में ही ठीक थी, इतने आने की लोड़ थी मैनू? देख, अगर बोर हो गई है ना तो मैं तुझे एक काम देती हूँ। बेबे, मैंने जरा सा कुछ कहा नहीं, आपको तो मौका चाहिए बस। मैंने काम देन दा, मैंने नहीं करना कोई काम आ मानी तो। करने वरने के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, तेरे को सिर्फ नजर रखनी है। नजर किस पे? नीति पे। नीति पे? पर देख, वो यहाँ पर जरूर कोई ऐसा काम करेगी जिससे उसकी असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन बेबे, बहन जी बड़ी किस्मत वाली है आप। ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा कह रहे हो? परी, आपकी बहू जो है, सारे पूछते ही होंगे कि बहू कहाँ से लेकर आए, आप ही ने उसको चूज किया है ना। एकदम हीरा चुन के लाई है आप। परी को इस कार की बहू मैंने ही बनाया सी, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। हाँ। सही कह रही है बहन जी आप, परी को ना मैंने ही चुना अपने पुत्र के लिए। हाँ। लगता है जितनी परी पसंद आई है आपको, उतनी नीति नहीं आई। हाँ बेबे, मैं अभी आई, आप लोग बातें करना। हाँ। बेबे, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नीति भी बहुत पसंद है। लगता तो नहीं है आपकी बातों से, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से आप परी के ही गुणगान गाते जा रही हैं। सही कहा आपने, परी मुझे बहुत पसंद है, काश उस जैसी बहू मुझे मिल जाए। थैंक यू सो मच मैम। अरे वीर जी, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आप सबने इतने दिल से काम किया ना, इसलिए सब कुछ एकदम जल्दी निपट गया। लेकिन मैम, आपने जो फटाफट हम लोग को बता दिया कि हम लोग को कैसा काम करना, क्या है कि हम लोग डेकोरेटर हैं, बट हम लोग खुद कभी कभी नहीं समझ में आता कि हम लोग क्या करें कैसे करें। वो क्या है ना, हमारे पिंड में जब कभी कोई शादी होती थी या कोई भी फंक्शन होता था ना, तो मैं और मम्मी जी मिलके सब कुछ कर लेते थे। वैसे भी पिंड में डेकोरेटर्स कम और रिश्तेदार ज्यादा होते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं हर फंक्शन में, हर शादी में। ओके ओके, एक्चुअली फ्रेश जूस स्पेशली फॉर यू। मुझे नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? चुपचाप से पियो। देखो, मुझे नहीं पीना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? परी, मन को ना बनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और पियो। देखो प्लीज, मान जाओ परी, तुम्हें पता है ना कि जूस तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। कोई बहाने नहीं चले। क्यों कर रहे हो तुम मेरी बात? क्यों नहीं समझ कर रही हो? प्लीज। नो प्लीज। देखो, मैंने कहा ना मैं नहीं पीऊंगी। तो मैंने भी कहा कि मैं तुम्हें पिला के रहूंगा। तुम ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो राजी। कोई बात नहीं, तुमसे जीतना ना इम्पॉसिबल है। अब पियो, चलो चलो चलो। ठीक है, फिर पी रही हूँ।
कितना गुस्सा आ रहा है परी को। आई नो, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी गुस्सा तो कभी प्यार। लो, खुश? सॉरी, आई नो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। हैरप्पा, मैं तो भूल ही गई, राजीव मैं बस अभी आई। वाओ यार, क्या परफेक्ट कपल है परी और संजू। इन दोनों को देखने के बाद आई कैन बेट कि लाइफ शादी के बाद इससे बेटर नहीं हो सकती। होप मैं और नीति भी शादी के बाद एक दूसरे को इतना ही प्यार करेंगे। आई मम्मी मेरा आई आई रबा आई मेरी यारी यो यार जय जी। पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया, बहुत तेज सर दूर है। इथे आ, आराम ना, आराम ना, बैठ बैठ। मैं आ दिखा दो एक, एक बार। नहीं नहीं नहीं, नहीं मम्मी जी। हाँ? ताई जी, क्या हुआ मम्मी जी को? मम्मी जी क्या हुआ? बस अचानक से चीखने लगी, पैर में कुछ हुआ है। डर पता नहीं, पैर में कुछ हुआ है। माँ, क्या हो गया? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं देख लूँगी। एक मिनट बस मुझे देखने दीजिए। अरे एक काम करो, तुम रिस्क मत लो, हम लोग डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर? एक मिनट, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं हुआ है, बस नस पे नस चढ़ गई है, अभी ठीक हो जाएगा। वरिंदर देखने तो दे उसे। नस पे नस मतलब? एक मिनट मैं ठीक करती हूँ, एक मिनट रुके, दिखाई। देख देख देख, तेनु ठीक करना आता ना तो ही हाथ लगाइयो, ऐसे फालतू में डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पैर को कुछ हुआ ना, मैं तेनु छड़ांगी नहीं। बजाय जी, तू सही से एनु कहो कि ये हाथ लगा। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए जा रहा हूं। एक मिनट शांत हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, बस मुझे 2 मिनट दीजिए। ठंड रख, आराम से चुप हो जा। मम्मी जी गहरी सांस लीजिए, एकदम लंबी सांस लेना, ठीक है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। बढ़िया। देखा, और तू कह रही थी इसकी खैर नहीं, एक मिनट में ठीक कर दिया तेरा पैर। हाँ, कर तो दिया। परी, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? वो एक्चुअली मेरी मम्मी जी को भी ना कई बार पैर में ये प्रॉब्लम हो जाती थी, तो बाबूजी ऐसे ही ठीक करते थे मेरी मम्मी जी का पैर, बस उन्हीं से सीखा है मैंने। पिछले जन्म में जरूर तूने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी बहू मिली है, लेकिन तुझे इसका एहसास नहीं है। हाँ ठीक है, और जरा सी मोची तो निकाली है, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया इसने। ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं मम्मी जी, गुरिंदर भी ना पुत्र, कोई नहीं, तो बस ऐसी रहना जैसी है, बदलना मत। अरे परी, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली डेकोरेशन का काम खत्म हो गया था ना, तो मैंने सोचा यहाँ आके मैं दी की हेल्प कर देती हूँ प्रसाद बनाने में। थैंक यू सो मच परी, पर मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बुरा किस बात का? देखो ना, फंक्शन अपने घर में रखने के बावजूद हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे अच्छे से, और तुम लोग ने आते ही यूं चुटकियों में सारा काम निपटा दिया। अरे आंटी जी, आप बेकार में टेंशन ले रही है, हमें तो उल्टा बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके, क्यों दी? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने घर में ही काम कर रहे हैं। और मैंने तो इस घर का ना कोना कोना स्कैन कर लिया, वो भी अपनी आंखों से। और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब नीति इस घर में बहू बन के आएगी ना, और उसे कोई चीज नहीं मिलेगी, तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। कितनी प्यारी है ना तू परी। बस एक बात बता, नीति के अलावा भी तेरे लाइफ में कुछ है कि नहीं? जब देखो तब नीति नीति। हाँ वैसे आपने बात तो एकदम सही कही, नीति में ना जान बसती है मेरी, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं तो रोज बाबा जी से यही अरदास करती हूँ कि वो मेरी नीति को हमेशा खुश रखे। रब ने तो मुझे मेरी खुशी दे दी थी, पर तूने उसे छीन लिया। अच्छा परी सुनो,
ये चरणामृत में ना थोड़ा सा दही बढ़ा दो। क्या है ना, चरणामृत हर कोई लेता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ कम नहीं पड़ेगा, सबको हर चीज हो जाएगी। तो प्यारी के साथ साथ समझदार भी बहुत है, तभी तो पूरे घर में हर कोई बस परी परी परी, हर कोई तुझे पसंद करता है। By God, ये परी एक काम अच्छा कर देती है, लोग इसकी तारीफें ऐसे करना शुरू कर देते हैं जैसे इससे बढ़कर कोई है ही नहीं।